हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करने वाले लॉस एंजल्स एंजल्स वर्स सिएटल मरीनर्स MLB लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम में किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे DTN की ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए वहां से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है। हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे मैच कवर करते हैं और फिलहाल हमारे काफ़ी अच्छे खासे क्लीनशिप चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए TT प्लेइंग 11, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाने का आपके पास मौका है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आपको यहाँ आते ही टेलीग्राम का विजन 11 का लिंक मिल जाएगा। विजन 11 को डाउनलोड करिएगा और काफ़ी मोटा पैसा विन करिएगा, क्योंकि विजन 11 पर काफ़ी कम एंट्री फीस है और काफ़ी कम लेस कॉम्पिटिशन है। तो दोस्तों, अब बात की जाए कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले बात करूँ SEM यानी कि सिएटल मरीनर्स के बारे में। तो सिएटल मरीनर्स एक काफ़ी अच्छी ऐसी टीम है। इन्होंने अभी तक 154 मैच प्ले किए, जहां पर 85 में विन और 69 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी टीम है। मैं वही बात करूँ LAAN की लॉस एंजल्स के बारे में। तो लॉस एंजल्स दोस्तों एक ठीक ठाक टीम है। इन्होंने 149 मैच प्ले किए, जहाँ पर 71 में विन और दोस्तों 83 में लॉस का सामना किया है। तो दोस्तों, पता चल रहा है कि थोड़ी डाउन टाउन टीम है। अब बात करें कि इस मैच को जो हमारा कॉम्बिनेशन है हम क्या बनाकर चले, तो दोस्तों सबसे बेस्ट आपके लिए 4 और 5 का होने वाला है, क्योंकि जो मरीनर्स है वो काफ़ी अच्छी खासी टीम है लॉस एंजल्स इनकी LAA से। तो आप चाहें तो अपनी टीम में आप ट्राई करते 5, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर दूंगा दोस्तों, जो आप समझ सकते हैं। हम लास्ट में आपको YouTube पर टीम को प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, ड्रीम टीम दोस्तों से पहले मेरी मेहनत की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फाइनल टीम होगी उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छे टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको मेरी टीम में कौन से ऑफील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। जो वीडियो को एंड तक वॉच करेगा उसको दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, दोस्तों मेरा माइक खराब हो गया है। दोस्तों, मैं हानिगर के बारे में, दोस्तों मार्केट ओपन होती मैं रहूँगा कल, तो देखते हैं हानिगर का परफॉर्मेंस। तो मुझे हानिगर के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं दोस्तों, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहता है। मतलब 90% मैचों में ड्रीम टीम में ही रहते हैं और काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं। उससे पिछले मैच में आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने दोस्तों एक होम रन भी लगाया था, और होम रन दोस्तों सबसे बड़ा होता है बेसबॉल मैच के अंदर। तो दोस्तों, खानेगर आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस होने वाली है, और जो इनका सेलेक्टेड परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, बाद में बढ़ जाएगा दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका अपोनेंट होगा वो दोस्तों टीम को कैसे उठाता है, ये दोस्तों या तो ये देखता है कितने पॉइंट ज़्यादा है, या फिर दोस्तों ये देखता है मेजोरिटी लेवल कितना है। इन्हीं के आधार पर आपका अपोनेंट टीम उठाता है और यही हमारे जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप खुद सोच के देखिएगा, उसे नहीं पता है बेसबॉल क्या है, यहाँ पर कैसे टीम लगाते हैं, किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना, लेकिन मैं आपको टीम दूंगा और उस टीम से आप काफी अच्छा खासा और मोटा पैसा विन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना याद से, और इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। दोस्तों, बात करूं नेक्स्ट प्लेयर ब्रेंडन मार्श के बारे में। तो ब्रेंडन मार्श आपके लिए काफी अच्छी खासी चॉइस होने वाली इस मैच के लिए। जो इनका परफॉर्मेंस है काफी अच्छा खासा है, पिछले का मैच परफॉर्मेंस था काफी ठीक ठाक, लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ से मैच काट दिए गए, इनकी जो पीछे परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था। उसके बाद आपको देखने को मिला कि जो इनका परफॉर्मेंस है वो एकदम ऊपर गया। आपको देखने में 2 मैच काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और मेजोरिटी लेवल भी काफ़ी कम है, और आपको अपने 1-2 टीमों में ऐसे प्लेयर उठाने पड़ेंगे दोस्तों, 1 या 2 प्लेयर जो काफ़ी कम मेजोरिटी लेवल हो, या दोस्तों एक तरफा विन कर जाएंगे, या दोस्तों थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। बाकी दोस्तों, टीम तो मैं आपको देने वाला हूँ, टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट के आधार पर देता हूँ, स्टैट निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनल टीम देता हूँ टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और अब विजन 11 को भी डाउनलोड कर लेना, काफ़ी कम एंट्री फीस और काफ़ी कम लेस कॉम्पिटिशन है। दोस्तों, जेरेड कलनिक के बारे में बात करें तो इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, लगातार मैच उसे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको देखिए 1 और 2 मैच में इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, और मैं चाहूँगा कि आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम तो मैं आपको दूंगा, तो टीम के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफील्डर सीगर दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं, लगभग दोस्तों 80% कॉन्टेस्ट में ड्रीम टीम में ही रहते हैं, और जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे नहीं आता है। और अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आपको कैप्टन लेके चल सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, आपको ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी दोस्तों, स्टैट के ऊपर होता है, स्टैट निकालता हूँ और फिर फाइनल देता हूँ आपको टेलीग्राम पर। दोस्तों, फ्रांस और वॉल्स दोस्तों दोनों का परफॉर्मेंस फिलहाल सेम ही चल रहा है, फ्रांस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और दोस्तों जो वॉल्स का परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक है, लगभग दोनों का परफॉर्मेंस बराबर है। इसलिए दोस्तों, फ्रांस और वॉल्स आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी
स्मोली के लिए एक चॉइस, कोई भी किसी को उठा सकते हैं, पर दोस्तों जो अपनी ग्रैंड लीग की टीम होगी उसमें आप सभी को ट्राई कर सकते हैं। क्रॉफर्ड दोस्तों अपनी टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई करूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं और जो इनका परफॉर्मेंस था पीछे दोस्तों बहुत डाउन गया था, दोस्तों मैच काट दिए गए तो जो पीछे जो उनका परफॉर्मेंस था काफ़ी डाउन गया था, आप देख सकते हैं, देखिए कितना डाउन गया था, कोई सिलेक्टेड परसेंटेज, कोई मेजोरिटी लेवल ही नहीं है। उसके बाद ये काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस भी आए, उसके बाद दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस इतना ऊपर गया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जेपी क्रॉफर्ड, तो जेपी क्रॉफर्ड को आप अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना है, चाहे वो ग्रैंड लीग हो फिर वो स्मॉल लीग हो, बिना किसी टेंशन के आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बात करूं मेफील्ड के बारे में, तो मेफील्ड की तरफ ज्यादा बंदों का ध्यान नहीं होगा, और पिछले मैच में इनको उठाया था और एक तरफा विन भी करवाया था, क्लीन स्वीप करवाई थी दोस्तों आपको, और देखिए जो इनका मेजोरिटी वो भी काफी कम और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा खासा है। पिचर उठाने को ट्राई किया इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर, कैप्टन ट्राई करूंगा अपनी टीम के लिए आज के मैच के लिए अगर प्ले करते हैं तो। बाकी दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं और पिचर ही आपके लिए होनी चाहिए चॉइस जो कैप्टन के लिए होती है, तो कि दोस्तों इससे बड़ी चॉइस इस मैच में नहीं होने वाली है। कैचर के बारे में बात करूँ तो कैचर मैंने मुर्फी को ट्राई किया है, बाकी दोस्तों एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए, बाकी मुर्फी भी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है अगर प्ले का मौका दिया जाता है तो टीम में, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोच के देखिएगा पिचर के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, पिचर केवल दो ही आएंगे जिसने मैं अपनी टीम के लिए उठा पाऊंगा, लेकिन दोस्तों चॉइस देखिए इतनी ज़्यादा है मेरे पास, 50 के आसपास चॉइस आराम से है, तो दोस्तों टीम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 3 आउटफील्डर, 4 इनफील्डर, 1 पिचर कैचर को ट्राई किया है। कैप्टन वॉइस कैप्टन चॉइस मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसको आपको किसको टीम में कैप्टन दोस्तों ओटानी को और वॉइस कैप्टन क्रॉफर्ड को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अदर चॉइस के बारे में बात करूँ तो हम टीम का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर आपको बताऊंगा। दोस्तों हानिगर आपके लिए काफ़ी अच्छी खास चॉइस है अगर आप ग्रैंड लीग में पैसा इन्वेस्ट करके चले, तो कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए क्रॉफर्ड बेस्ट चॉइस है कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए, ओटानी है दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए, वॉल्स काफ़ी अच्छी खास चॉइस कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए, सीगर भी काफ़ी अच्छी खास चॉइस है कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए, और अपने रिस्क पर आप मेफील्ड को एक टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों न्यू प्लेयर है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। दोस्तों मैं खुद सेव कर देता हूँ, दोस्तों आप सभी को पता काफ़ी मेहनत की, मेरी मेहनत की एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फाइनल टीम है उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।